अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आलू फिंगर चिप्स किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर हमने 1/2 kg आलू लिया है और इसका छिलका हमने निकाल लिया है। दोस्तों अब हमने इस शेप में आलू को कट करना है। देखिए एक ही साइड में आलू सारी हमको कट करना है। दोस्तों पहले हम इस आलू का स्लाइस निकालेंगे, अब हमें इस शेप में कटिंग करना है फिंगर शेप में। दोस्तों याद रखें कि हमारी सारी आलू जो है एक शेप में होना चाहिए, मोटी और पतली नहीं होनी चाहिए। दोस्तों जितने लोग हमारे वीडियो पर नए हैं वो हमारी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हमारी सारी आलू कटिंग हो चुकी है, अब इसको हम 3 से 4 पानी धो लेंगे। दोस्तों हमने यहाँ पर गर्म पानी लिया है और उसी के अंदर हमने इस आलू को डाल दिया है और 1 चम्मच नमक इसके अंदर डाल दे रहे हैं हम। अब इसको हम 5 से 7 मिनट तक इसी में हम इसको चलाएंगे। अब यहाँ पर ये आलू तकरीबन हो चुका है, अब इसे हम साफ बर्तन में निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम आलू को ठंडा करेंगे। हमारा आलू ठंडा हो चुका है, अब इसके अंदर हम मसाला ऐड करेंगे। ये हो गया हमारा लाल मिर्च का पाउडर और ये हमारा कलर हो गया। इसके अंदर हम हरा रोट मिलाएंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों अब इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब ये हमारा मसाला पूरा अच्छे से मिल गया है, अब इसको हम तेल में डालेंगे। दोस्तों हमें तेल में डालने के बाद इसे अच्छे से चलाना है ताकि ये एक दूसरे में पीस चिपकने ना पाए। इसको हम 2 मिनट तक चलाएंगे इसी में। दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं। और आपको वीडियो कैसी लगे इसको आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताएं। सारी जो हमारी दूसरी पीस बची हुई इसको हम इसी के अंदर डाल देंगे। इसी तरह से हम सारी पीस बना लेंगे। यहाँ पर हमारा बनके रेडी हो गया है, अब इसको हम थोड़ा सा आपको तोड़ के दिखाएंगे। देखिए कितना कुरकुरा बना हुआ है। अब इसे हम दोस्तों हम इसको इमली की चटनी के साथ में चेक करेंगे कैसा लगता है खाने पे। बहुत ही टेस्टी है। और अब हम दोबारा इसको चेक करेंगे केचप के साथ में। दोस्तों इसी तरह से आप अपने घर पर भी बना के खा सकते हैं। और ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके बताएं हमें।